का संस्थापक कौन था? तब विजयालय। चोल राज का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो परांतर प्रथम। चलिए आगे पढ़िए। परांतर प्रथम को किसने तक्षकोलम के युद्ध में हराया था? ठीक है, कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय ने, ठीक है। आगे पढ़िए। प्रथम को कौन सी मंदिर की स्थापना किया जो शिव के संबंधित था? राजराजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चलिए आगे पढ़िए। राजराज प्रथम ने किस जावा के शासक को नागापट्टनम बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान किया? हाँ, शैलेंद्र शासक विजय। शैलेंद्र शासक विजय, ठीक है। चलिए, राजेंद्र प्रथम ने किस जावा को शासक को हराया था? हाँ, विजय तुंग वर्मन, ठीक है। विजय तुंग वर्मन जावा का शासक था जिसको राजेंद्र प्रथम ने हराया था, और राज प्रथम के समय जो है इसको जो है नागापट्टनम में जो है वह बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मिला था। दोनों दो क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़िए। राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को हराया था? गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था, तो कौन पाल शासक था? महीपाल, ठीक है। चलिए, इस चोल शासक के समय श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने स्वतंत्रता की घोषणा की? हाँ, कोलोतुंग प्रथम ने जो है उसके समय श्रीलंका के शासक जो है विजय बाहु जो है वह जो है स्वतंत्रता की घोषणा किया था, ठीक है। चलिए, राजाधिराज प्रथम की हत्या कोप्पन के युद्ध में किसने किया गया? कोप्पम के युद्ध में किसकी हत्या किया गया था? चालुक्य शासक सोमेश्वर के द्वारा किया गया था। किसका? राजाधिराज प्रथम की हत्या कोप्पम के युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, सोमेश्वर को किस चोल शासक ने कोप्पन के युद्ध में हराया था? हाँ, तो वीर राजेंद्र ने क्या किया था कोप्पन के युद्ध में? सोमेश्वर को जो चालुक्य शासक थे उसको हराया था, ठीक है। चलिए, किस चोल शासक के समय चीन में राजदूत भेजा गया था? हाँ, किस चोल शासक के समय चीन में राजदूत भेजा गया था? किसके समय भेजा गया था? कोलोतुंग प्रथम के। देखो, कोलोतुंग प्रथम और कोलोतुंग द्वितीय दूगो है, तो एगो के समय में चीन में राजदूत भेजा जाता है कोलोतुंग प्रथम के समय में, और इसी के समय में क्या करता है श्रीलंका का शासक विजय बाहु जो है स्वतंत्रता की घोषणा करता है, और इसके बाद जो कोलोतुंग द्वितीय बनता है उसके समय में गोविंद राज की मूर्ति को उठाकर जिसको विष्णु का कहा जाता है उसको समुद्र में फेंकवा दिया जाता है, क्योंकि चोल शासक किसके भक्त थे? शिव के, शैव के भक्त थे, इसीलिए क्या करते हैं कि वह उठा के जो है इसको क्या करते हैं फेंकवा देते हैं, ठीक है। बाद में जो है इसी मूर्ति को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? किसके द्वारा लिखवाए हैं ना अभी? रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य पहले जो था यह कहाँ स्थापित था? यह मंदिर कहाँ स्थापित था पहले? चिदंबरम मंदिर में। तो वहाँ से कोलोतुंग द्वितीय उठा के गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देता है, तो उसके बाद रामानुजाचार्य जो है वह गोविंद राज की मूर्ति को जो है फिर से उठा के तिरुपति में स्थापित करते हैं, चिदंबरम मंदिर में नहीं, फिर आगे जो है राम राय के द्वारा जो है फिर इसको चिदंबरम मंदिर में ले जाके दोबारा स्थापित किया जाता है गोविंद राज की मूर्ति को। तो क्वेश्चन पूछेगा कोलोतुंग प्रथम या द्वितीय ने फेंकवाया था, तो कोलोतुंग द्वितीय ने फेंकवाया था, इसको याद रखिएगा। चलिए, विक्रम चोल ने किस राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया था? हाँ, विक्रम चोल ने किस राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया था? तो चालुक्य राज्य को, ठीक है। चलिए, कोलोतुंग द्वितीय ने किस मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था जिसका रामानुजाचार्य द्वारा निकलवाकर तिरुपति मंदिर में स्थापित किया गया था? हाँ, गोविंद राज की, ठीक है। चलिए आगे बोलिए, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र
तैरती है। ठीक है, चलिए आगे। चोरों पर अंतिम रूप से अधिकार किसने किया? हाँ, तो चोलों पर अंतिम रूप से अधिकार किसने किया? तो पांडे ने, पांडे ने। ठीक है, चलिए। चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी कहाँ थी? मेरू, तंजौर, पहला है उरायूर है, ठीक है, दूसरा है तंजौर है, और तीसरा है गंगाकोंड चोलपुरम। तीन गो राजधानी था जिसमें ज़्यादातर जो है तंजौर उनकी राजधानी रहा है। अलग अलग शासक के समय यह राजधानी जो है चेंज होते रहा है। ठीक है, चलिए। प्रांतों को चोलों काल में क्या कहा जाता? प्रांतों को चोलों के काल में क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। जिला को चोलों के काल में क्या कहा जाता था? तो नाडू कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद स्थानीय प्रशासन किस राज्य की विशेषता थी? हाँ, स्थानीय प्रशासन किस राज्य की विशेषता थी? तो चोलो राज की विशेषता थी। ठीक है, आगे पढ़िए। ग्राम प्रशासन किसके समय में विकसित अवस्था में थी? ग्राम प्रशासन किसके समय विकसित अवस्था में थी? तो चोलो के समय में थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। स्थानीय प्रशासन ग्राम प्रशासन चोलो की विशेषता थी। आधुनिक काल में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय प्रशासन पर जोर दिया था। देखिए, रुक जाइए। देखिए, अगर पूछे कि प्राचीन काल में या मध्य काल में स्थानीय प्रशासन किसके समय विकसित अवस्था में था, तो चोलों के समय। ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड रिपन, उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर जोर दिया था। उसके बाद जो है, अगर संविधान लिखा गया तो भाग चार के तहत नीति निर्देशक तत्व में जो है वह आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम प्रशासन के बारे में, यानी गांव के जो है किस तरह से कार्य होगा वहां पर, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अलग अलग समय में ये पूछेगा, क्योंकि संविधान जब निर्माण हो रहा था तो गांव के प्रशासन, नगर के प्रशासन पर ध्यान दिया जा रहा था, तो चोलों से ही ये एडॉप्ट किया गया और भारतीय संविधान में जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अनुच्छेद 40 में ग्राम प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, यह लिखिए यह भारत में चार के तहत। हाँ, वो तो बता दिए, आगे चलिए। पढ़िए। उत्मेरु अभिलेख में जो है स्थानीय प्रशासन के बारे में वर्णन किया। उत्मेरु अभिलेख किस चोल शासक के द्वारा लिखवाया गया था? तो परांतर प्रथम के द्वारा उत्मेरु अभिलेख लिखवाया गया है, जिसमें चोल के स्थानीय प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। सभा, समिति, ठीक है ना, था ना जी, उसके बाद उर था, ठीक है, तो सब के बारे में उत्मेरु अभिलेख में वर्णन किया गया है। कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? चोलों का कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? कौन सा था? कावेरी पत्तनम। ठीक है, खत्म हो गया। चलिए, बहुत अच्छा।